मारुति सुनते ही दिमाग में क्या आता है? ऑल्टो 800, बलिनो, ब्रेजा जैसी वैल्यू फॉर मनी कार्स। लग्जरी तो एकदम नहीं। मारुति ने लग्जरी सेगमेंट बनाना चाहा, पर गड़बड़ हो गई। किताशी अपने समय की मारुति इससे काफी आगे थी, बट अब ये सिर्फ यादों में रह गई है। इसके कुछ रीजंस हैं, आइए जानते हैं। देखिए, इंडिया एक प्राइस सेंसिटिव मार्केट है। देखिए, 2011 में जब किताशी लॉन्च हुई 17 लाख एक्स शोरूम प्राइस के साथ, तो वो इंडियंस के पल्ले नहीं पड़ी। बाद में मारुति ने 5 लाख तक के डिस्काउंट भी दिए, बट बहुत देर हो चुकी थी। जिस देश में कार लेने से पहले हर कोई ये एक सवाल पूछता है, कितना देती है? वहां 10 से 12 की एमपीएल की एवरेज। तो भैया, मारुति की अफोर्डेबल आफ्टर सेल सर्विस उनकी कामयाबी का एक बहुत बड़ा कारण है। अब किजाशी थी सीबीयू, पार्ट्स थे इंपोर्टेड और काफी एक्सपेंसिव। डी सेगमेंट सेडान में उस समय काफी कंपटीशन था, कोरोला, क्रूज, सिविक, कोई किजाशी क्यों लेगा। इस सब के चलते हुए मारुति ने किजाशी को 2014 में चुपचाप डिसकंटिन्यू कर दिया। मारुति की ब्रांड इमेज एज अ बजट कार मेकर थी सबसे बड़ी प्रॉब्लम। ऐसे ही कॉन्टेंट के लिए सब्सक्राइब टू गो मैकेनिक।